उज्जैन के मंगलनाथ रोड, भैरूगढ़ क्षेत्र सहित बड़नगर रोड और अन्य क्षेत्र में शासन प्रशासन के द्वारा सिंहस्थ के लिए जमीन अधिग्रहण कर दायरे को बढ़ाया गया है। उसी प्रकार बगैर भेदभाव के प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वह इंदौर रोड और सावरा खेड़ी चिंतामन क्षेत्र में भी जमीन को अधिग्रहण कर सिंहस्थ के लिए आरक्षित करे, ताकि आने वाला जो सिंहस्थ है वह आसानी से संपन्न हो सके और बाहर से आने वाले साधु महात्मा संत परेशान न हो, क्योंकि इंदौर रोड और चिंतामन क्षेत्र में कई साधु महात्मा संत आते हैं जो यहाँ ठहरते हैं। पार्किंग और अन्य उपयोग में जमीन आती है। ऐसे में अगर जमीन कृषि भूमि पर मकान मल्टी दुकान निर्माण हो जाएंगे तो फिर सिंहस्थ कैसे संपन्न हो पाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जमीन को अधिग्रहण कर सिंहस्थ के लिए आरक्षित की जाए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जितने भी सिंहस्थ हुए, हमने करीब 92 का भी कवरेज किया, 4 का भी किया और 16 का भी कवरेज किया। जब जब सिंहस्थ आए हैं तब अधिग्रहण जमीन की गई है, सिंहस्थ के दायरे को बढ़ाया गया है। किस प्रकार से इंदौर रोड पर दायरा बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से भूमि अधिग्रहण होना चाहिए और किस प्रकार से साधु महात्मा मांग करेंगे और क्या रहेगा? जी, हर हर देखिए, उज्जैन आध्यात्मिक केंद्र है और तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ करोड़ों जनता एकत्रित होती है और सिंहस्थ उज्जैन तीर्थ का आधार स्तंभ है। तो जब जब सिंहस्थ में जमीन की जरूरत पड़ती है दायरा बढ़ाने की, तो सब दूर से अधिग्रहण की गई है। इसी प्रकार मुख्य क्षेत्र है इंदौर क्षेत्र, जो सावरा खेड़ी, दाऊद खेड़ी और ये त्रिवेणी संगम है, शनि महाराज, ये भी मुख्य क्षेत्र है। जब सब दूर से अधिग्रहण की गई है तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के इधर की भी जमीन ग्रहण करना चाहिए अधिग्रहण, क्योंकि जनता भारी इकट्ठी होती है। और फिर शिप्रा किनार के पास है, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, शिप्रा किनार से त्रिवेणी संगम से तो कालिया देव पैलेस तक 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये पूरी भूमि वास्तविकता से सिंहस्थ क्षेत्र की है। इनको अधिग्रहण करना आवश्यक ही है। तो किस प्रकार से आने वाले समय में साधु महात्मा उज्जैन कलेक्टर प्रशासन के समक्ष मांग रखेंगे और किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करेंगे और क्या रहेगा? हम सब जो है आपकी चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी नेता और मंत्री के कहने पर आकर इस प्रकार की कोई कार्रवाई न करें, जिससे आने वाले समय में साधु संतों को भारी संकट का सामना करना पड़े और जनता को भी और प्रशासन को भी फिर भारी संकट का सामना करना पड़े, क्योंकि इतनी जनता, करोड़ों से जो जनता आती है, उसको ये भी नियंत्रण में प्रशासन भी नहीं कर पाता। इसलिए बिना भेदभाव को सब दूर की जमीन और इधर तो मुख्य पॉइंट है, इंदौर तरफ से आने वाले साधु संतों का जनता इधर से भी बोलता है, ये सिंहस्थ क्षेत्र के लिए ये तो मुख्य जगह है, होगी ये सावरा खेड़ी, दाऊद खेड़ी, त्रिवेणी संगम, इधर से कोई भी जमीन को अधिग्रहण करना चाहिए। ये सब न्याय संगत है, भेदभावपूर्ण तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा रहे हैं और इस विषय में यदि नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा। CM साहब को भी अवगत करवाएंगे और अभी हम कुंभ में भी जा रहे हैं हरिद्वार पर, यदि यहाँ इनने नहीं माना तो फिर माननीय केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय में हम चर्चा करेंगे, उनको भी अवगत करवाना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।